एकदम हेल्दी रेसिपी आप घर पे बनाएं, और घर के सामान से, ज़्यादा कुछ सामान बाहर से नहीं लाना पड़ेगा, बहुत हेल्दी और स्वादिष्ट बनती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आटा लगाकर तैयार करेंगे। 2 कप ले लेंगे गेहूं का आटा, आप चाहें तो आधा आधा ले सकते हैं। 1 कप गेहूं का आटा ले लें और 1 कप मैदा, तो बढ़िया बनेगा। 1 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे, 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे। इसको मिलाने के बाद इसमें हम पानी डालकर थोड़ा टाइट आटा लगाकर तैयार करेंगे। अगर मैदा डाल के बनाएंगे तो थोड़ा आसानी रहेगा, इसके लच्छे टूटेंगे नहीं। लेकिन गेहूं का आटा से बना रही हूँ, गेहूं का आटा हेल्दी होता है, इसलिए मैं गेहूं का आटे से बना रही हूँ। अब मैं इसमें पानी डाल दी हूँ। एकदम चिकना आटा लगा कर तैयार करेंगे, जैसे रोटी के लिए आटा लगाते हैं उससे थोड़ा टाइट आटा लगाना है। और उसके बाद थोड़ा सा तेल लगाकर इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे, कवर करके। आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा रखने के बाद, और चिकना आटा लगाएं लेकिन थोड़ा टाइट रहना चाहिए। इसके बाद हम 10 मिनट के बाद देख लिए, आटा हमारा सेट हो चुका है, 2 मिनट और मसल लेंगे इस तरीके से, और इस बोर्ड को हटा देंगे। किचन काउंटर पर ही हम बेल लेंगे इसको। थोड़ा सा सूखा आटा या तो तेल लगाकर आप इसको बेल सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो वैसे कर सकते हैं। सूखे आटे से भी बेल सकते हैं, थोड़ा सा छिड़क कर या थोड़ा तेल लगाकर। मैं 1 लोई बनाई हूँ इसकी, बड़ी सी रोटी की तरह बेल लेंगे। पहले ऐसे बढ़ा लेंगे हाथ से, उसके बाद बेल ले रही हूँ। इसके लच्छे काटेंगे नूडल्स की तरह। आप घर पे नूडल्स बना सकते हैं बहुत आसानी से, बिल्कुल हेल्दी और स्वादिष्ट, बिना किसी मिलावट के और घर के सामान से। इतना थिक होना चाहिए, थोड़ा सा मोटा ही रहना है, बहुत पतला भी न करें और मोटा भी न करें, नहीं तो पकने के बाद ज़्यादा मोटा हो जाएगा। तो इसको हम चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा काट देंगे। इस आटे को दोबारा से यूज कर लेंगे, नीचे से भी काट दे रही हूँ और थोड़ा सा और बेल दे रहे हैं ताकि मोटा ना रहे। और ज़्यादा पतला कर देंगे तो इसके लच्छे भी नहीं कटेंगे, काटने में दिक्कत होगी। पतले पतले लच्छे काट दे रहे हैं इसका। आप जितना मोटा पतला चाहें उतना मोटा पतला काट सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका छोटा छोटा टुकड़ा भी कर सकते हैं। इस तरीके से मैं काट दी हूँ। अब इसे ऐसे उठाकर उबलते हुए पानी में डाल दूँगी। मैं कढ़ाई में लगभग 1 लीटर पानी रखी हूँ, इसमें 1 चम्मच तेल और 1 चम्मच नमक डाल दूँगी। जैसे ही उबाल आ जाएगा सारे लच्छे में डाल दूँगी इसमें, चाहे हाथ से डाल दें या ऐसे डाल दें, या चाहें तो छोटा छोटा टुकड़ा करके भी इसका डाल सकते हैं। इसे लगभग 7 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे, गैस बिल्कुल तेज करके 6 से 7 मिनट तक पकाएंगे, इतने में ये पक जाएंगे और एक भी नहीं चिपकते हैं। बहुत अच्छा नूडल्स बनता है। एक बार इस तरीके से आप बनाकर खा लेंगे तो कभी भी मार्केट से ले आकर नहीं खाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल हेल्दी होता है, शुद्ध होता है। इसमें जो सामान हम यूज करते हैं घर पे सब शुद्ध रहता है, बिना मिलावट के। इसमें जो सब्जियां इस्तेमाल करेंगे वो एकदम फ्रेश रहती हैं, सड़ी गली सब्जियां नहीं रहती हैं। घर का आटा अच्छा रहता है, इसलिए बाज़ार से ज़्यादा हेल्दी होता है। लगभग 7 मिनट तक इसे मैं पका ली एकदम फुल फ्लेम पर। अब इसे एक छन्नी में निकाल कर ठंडे पानी में डाल दूँगी। ठंडे पानी में डाल देंगे, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, इसकी कुकिंग रुक जाएगी। 2-3 मिनट के बाद इसे हम निकाल लेंगे पानी में से, छन्नी में निकाल लेंगे, सारा पानी इसका निकल जाएगा, एक भी नूडल्स चिपके नहीं, आप देख पा रहे होंगे। इस तरीके से आप घर पे नूडल्स बनाएं, अपनी मनपसंद सब्जियां डालें, बहुत ही स्वादिष्ट होता है ये। चुकंदर, शिमला मिर्च, गाजर और पत्ता गोभी ले ली हूँ, हरी मिर्च, प्याज, 2 टमाटर काट ली हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट ले ली हूँ। बस घर का ही सामान है, इसमें ना तो सोया सॉस लगेगा ना टमाटो केचप लगेगा। 1 चम्मच तेल डाली हूँ, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सरसों और कुछ करी पत्ते डाल दी हूँ पकने के लिए। अब इसमें मैं प्याज डाल दूँगी जो बारीक काट के रखी हूँ। प्याज को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है,
थोड़ा नरम हो जाए बस। इसमें जो भी सब्जियां यूज करें ज़्यादा पकाएं ना। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दे रही हूँ जो 1 चम्मच है। थोड़ा सा पक जाएगा ये तो हम टमाटर डाल देंगे और इसमें कुछ मसाले भी डाल देंगे। टमाटर के साथ पक जाएंगे। 1 छोटा चम्मच नमक, नमक ध्यान से डालें क्योंकि आटा में भी मैं नमक डाले हूँ। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डाल दी हूँ। नमक उतना ही डालें जितना इस वक्त सब्जियों में ज़रूरत है। और ये है चाट मसाला, 1/2 चम्मच गरम मसाला। अच्छे तरीके से मिलाएंगे, इसे बढ़िया से भूनेंगे जब तक ये तेल ना छोड़ने लगे। जब मसाला अच्छे तरीके से पक जाता है तो साइड में तेल छोड़ने लगता है, तभी टेस्ट अच्छा आता है। अगर आप सब्ज़ी बनाएं तो भी इसी तरीके से बनाएंगे तो आपकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनेगी। 1 हरी मिर्च डाल दी हूँ, पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, चुकंदर, जो सब्जियाँ मैं काट कर रखी थी पहले धो ली हूँ, उसके बाद लंबाई में काट ली हूँ। नूडल्स में जो सब्जियाँ डालते हैं थोड़ा लंबाई में ही काटते हैं, लंबा लंबा। इसमें आप अपनी मनपसंद सब्जियाँ डाल सकते हैं, अपने बच्चों की मनपसंद सब्जियाँ डाल सकते हैं, क्योंकि खाना आपको है, जो सब्जी आपको अच्छी लगे वही डाल दें। लेकिन इसमें कोई भी सब्जी डाल देंगे सभी सब्जी टेस्टी बनेंगी। अगर सब्जी जो इसमें पका रहे हो ना गले तो 1-2 चम्मच पानी डाल दें, नहीं तो हरी सब्जी हैं इसमें पानी इतना होता है, खुद ही अपने पानी के वजह से पक जाती हैं, पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। बिल्कुल गलाना भी नहीं है इसे, हल्का सा क्रंच रहना है। जो नूडल्स में सब्जियां डालते हैं उसे बिल्कुल गलाते नहीं हैं, हल्का सा कच्चा रहता है तभी अच्छा लगता है। जब मसाला पक जाए तो इसमें नूडल्स जो मैं तैयार करके रखी हूँ डाल दी हूँ और मिला ले रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से। सारे मसाले इसमें घुल मिल जाना चाहिए, इतना बढ़िया से मिलाएंगे। इसमें आप चाहें तो मैगी मसाला, पाव भाजी मसाला, गरम मसाला, जो मसाला आपको अच्छा लगता हो, जिस मसाले का टेस्ट, वही मसाला डाल सकते हैं। हरी धनिया की पत्ती डाल दी, मसाले मिक्स हो चुके हैं, इसे मैं नीचे उतार ले रही हूँ। हमारा हेल्दी टेस्टी नूडल्स हो गया है तैयार और इसमें मैं नींबू डाल दे रही हूँ। एक बार इसे आप ज़रूर ट्राई करें। अगर यह वीडियो पसंद आए तो अपने फैमिली और मित्रों में ज़रूर शेयर करें। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। मैं आप सबसे निवेदन कर रही हूँ, आपका आटा नूडल्स कैसे बना अपना अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं एक बर्तन में निकाल ले रही हूँ, हमारा आटा नूडल्स तैयार हो गया है। पसंद आने पर लाइक ज़रूर करें, बहुत हेल्दी और बहुत ही टेस्टी होता है ये।